Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why, hows, and the when, what, wheres, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. नमस्ते बच्चों, समय है एक और कहानी सुनने का। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। काफी समय पहले की बात है। वेनिस नाम के शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वो एक ऐसा सौदागर था जिसके पास बहुत सारे जहाज थे और वो बहुत अमीर भी था। एंटोनियो एक दयालु आदमी था। वो दुखित लोगों को पैसे उधार में देता था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वो उन लोगों को ब्याज देने के लिए कभी तंग नहीं करता था। एंटोनियो का एक दोस्त था, बसानियो। वो भी एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन दुर्भाग्यवश से वो अपना सारा पैसा खो चुका था। बसानियो पोर्टिया से शादी करना चाहता था, जो बहुत अमीर थी और वो पास वाले शहर में ही रहती थी। इसलिए वो एंटोनियो के पास शादी करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने गया, लेकिन उस समय एंटोनियो के पास पैसे नहीं थे। इसलिए वे दोनों दोस्त शाइलॉक नाम के एक अमीर साहूकार के पास गए। शाइलॉक एंटोनियो जैसा नहीं था। वो एक दुष्ट साहूकार था जो लोगों को पैसे तो उधार में देता था, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज वसूली करता था और ब्याज देने के लिए लोगों को तंग भी करता था। वो उधार के पैसों पर भारी ब्याज लगाता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। पहले भी एंटोनियो ने शाइलॉक का भारी विरोध किया था, लेकिन अब दोनों दोस्त शाइलॉक के पास आर्थिक सहायता के लिए गए। शाइलॉक, जो एक कपटी व्यापारी था, मन ही मन में बहुत खुश हो गया कि उसका सबल समालोचक उसके पास मदद मांगने आया है। उसने प्रण लिया कि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगा और एंटोनियो से बदला लेगा। लेकिन सब जज्बातों को शाइलॉक ने उन दोनों के सामने जाहिर नहीं किया। शाइलॉक ने उन दोनों से बहुत प्यार से बात की और पैसे देने के लिए झट से मान गए। जब एंटोनियो ने ब्याज के बारे में पूछा, हंसते हुए उसने कहा, अगर तुम सही समय पर पैसे लौटाने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें अपना 1 पौंड मांस देना पड़ेगा। जरूरी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद निगदित रकम दोनों दोस्तों को दे दिया गया। बसानियो बहुत खुश हुआ कि वो अब पोर्टिया से शादी कर सकता है और उसने वो शहर छोड़ दिया। एंटोनियो भी बहुत खुश था कि वो अपने दोस्त की मदद कर सका। वो शाइलॉक की शर्त से नहीं डरा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो सही समय पर पैसे लौटा देगा। लेकिन एक दुर्भाग्य घटना घटी। एंटोनियो को खबर मिली कि उसके सारे जहाज समुन्दर में डूब गए। उसके कारण एंटोनियो निर्धन हो गया। शाइलॉक इस मौके के इंतजार में था। वो एंटोनियो को पैसे लौटाने के लिए परेशान करने लगा, वरना करारनामे के हिसाब से 1 पौंड मांस उसे देना था। ये बहस अब अदालत तक पहुंच गई। बसानियो, जो पोर्टिया से शादी करके बहुत खुश था, उसके कानों पर यह बात पड़ी। जब पोर्टिया को इस बात का पता चला, उसने बसानियो को रकम के 3 गुण पैसे दिए और उसको शीघ्र वेनिस जाके अपने दोस्त की सहायता करने के लिए विनती की। लेकिन बसानियो के निकलते ही उसके मन में एक विचार आया। उसने वकील की तरह वेश बदलकर उसके दोस्त के साथ वेनिस के लिए निकल पड़ी। उसकी दोस्त ने भी आदमी की तरह वेश पहना था। शाइलॉक अपना बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वो एंटोनियो के हृदय से 1 पौंड मांस लेने पर अटल था। न्यायकर्ताओं को बहुत बुरा लगा क्योंकि वे एंटोनियो के प्रशंसक थे, लेकिन शाइलॉक का पल्ला भारी था और वो एंटोनियो को बचा नहीं सकते थे। उसी समय बसानियो अदालत पहुंचकर शाइलॉक को पैसे स्वीकार करने के लिए विनती की और एंटोनियो को छोड़ने की दरख्वास्त की, लेकिन शाइलॉक ने पैसे लेने से मना कर दिया और 1 पौंड मांस पर डटा रहा। उसी समय लॉयर के वेश में पोर्टिया उसकी दोस्त के साथ अदालत पहुंची। उसके पास एक जाने माने लॉयर की दी हुई सिफारिश थी। उसने कहा कि वो एंटोनियो का केस लड़ना चाहती और उसको इजाजत भी मिल गई। फिर पोर्टिया ने उस करार पत्र पर नजर डाली जो शाइलॉक और एंटोनियो के बीच हुआ था और वो बोली, शाइलॉक सही है, उसे 1 पौंड मांस के मांग पर पूरा अधिकार है। ये सुनते ही शाइलॉक मन ही मन में मुस्कुराने लगा। युवा न्यायवादी ने दरख्वास्त किया, इस खून खराबे से क्या फायदा, कृपा करके इस रकम को ब्याज समेत स्वीकार करके इस जवान बेकसूर आदमी को जाने दीजिए, दया करके कृपया इसकी जान बख्श दे। लेकिन शाइलॉक कोई सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहां जमा हुए सभी लोगों को बुरा लगा, पर वो असहायक स्थिति में थे। शाइलॉक अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस युवा वकील ने शाइलॉक को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, समझौते के हिसाब से तुम सिर्फ 1 पौंड मांस के हकदार हो जिसे तुम शरीर के किसी भी हिस्से से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं कि तुम्हें सिर्फ 1 पौंड मांस ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। अगर मेरे मुवक्किल के शरीर से मांस निकालते वक्त एक भी रक्त का बूंद बहता है तो तुम तो आफत में पड़ोगे, क्योंकि समझौते में सिर्फ 1 पौंड मांस का जिक्र किया गया है, ना कि रक्त का। शाइलॉक को पता था कि वो मुश्किल में था। उसे यकीन था कि बिना रक्तपात के शरीर से मांस नहीं निकाला जा सकता है। अब वो अपनी चाल बदलते हुए कहा कि उसे वकील का प्रस्ताव मंजूर है और पैसे लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन न्यायाधीश उसकी कोई सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे एक सीधे साधे आदमी को सताने के लिए जोर से उस पर बरसने लगे और कहा कि वो सारा पैसा एंटोनियो को ही मिलना चाहिए, लेकिन एंटोनियो ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसे शाइलॉक की बेटी को सौंपने की विनती की। तो इसलिए अदालत ने आखिर में ये तय किया कि शाइलॉक की संपत्ति का आधा हिस्सा उसकी बेटी को जाएगा और बचा आधा हिस्सा सरकार को मिलेगा। जमा हुए लोगों ने राहत की सांस ली कि एंटोनियो शाइलॉक के शिकंजे से बच निकले और उस युवा वकील की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे जिसने चतुराई से एंटोनियो को बचा लिया। अपने दोस्त को वापस पाकर बेसानियो बहुत खुश हुआ। उस वकील को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसके लिए वो उसे अच्छा पैसा देगा, लेकिन वकील ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने बेसानियो के हाथ में पहनी हुई अंगूठी की मांग की, लेकिन वो अंगूठी तो उसकी पत्नी पोर्टिया ने उसे दिया था। अंगूठी पहनाते वक्त पोर्टिया ने बेसानियो से ये वचन लिया था कि बेसानियो इस अंगूठी से कभी जुदा नहीं होगा। बेचारा बेसानियो, जिसको ये पता नहीं था कि वो वकील तो उसकी बीवी पोर्टिया ही है, भारी मन से उस अंगूठी को उतार कर दे दिया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वेनिस छोड़ के अपनी बीवी के घर चला गया। पोर्टिया जो अपने असली हुलिये में वापस आ गई थी, बेसानियो और उसके दोस्तों को स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद उसने बेसानियो की उंगली खाली देखकर उसके बारे में पूछताछ की। कुछ समय के लिए वो गुस्सा होने का नाटक करती रही क्योंकि बेसानियो ने किसी अनजान व्यक्ति को वो अंगूठी दे दी थी, लेकिन जल्द ही उसने वो अंगूठी बाहर निकालकर बेसानियो को दिखाया और एंटोनियो को बचाने की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि वो वकील पोर्टिया थी जिसने एंटोनियो को बचाया था। बेसानियो ने पोर्टिया की चतुराई और एंटोनियो के वापस आने की खुशी में एक बड़ा जश्न का आयोजन किया। जब वो समारोह जारी था, एक और खुशबरी समाचार एंटोनियो तक पहुंची। उसको ये पता चला कि जो जहाज तूफान में फंस गए थे वो सुरक्षित समुद्र तट पर आ पहुंचे हैं। एंटोनियो अपनी संपत्ति नहीं खोया था। ये समाचार सुनकर खुशी दुगनी हो गई। कहानी जो मैंने अभी सुनाई है, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक नाटक है। शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का एक बड़ा लेखक और विश्व का महानतम ड्रामेटिस्ट माना जाता है। इस जमाने में भी उनका काम लोकप्रिय है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का एक महत्तम नाटक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे किसी के शब्दों का परिणाम हो सकता है। ये हमें ये पाठ भी पढ़ाता है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर निकाला जा सकता है। अगर शांति से समस्या को परखें तो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। मैंने इस कहानी को सरल रूप से आपके सामने रखा है ताकि आप लोग उसका आनंद ले सकें। अब जब आप लोगों को इस महान लेखक के बारे में परिचय हो चुका है, उसके द्वारा लिखे गए किताबों को जरूर पढ़िएगा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए ट्यून कीजिए हमारा अचला विस्मया लोक का यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।